हेलो साथियों, आप सभी का रीनू फूड एटिक में स्वागत है। आप सभी के साथ मैं अपनी मम्मी की एक डिलीशियस रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी बना रही है आज पत्तियोड़े, जो कि बनते हैं अरबी के पत्तों से, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप भी इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई करें, आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे एक एक पत्ते करके धोए जाते हैं। वैसे तो साफ ही होते हैं, खेत से लाते हैं, क्योंकि कीड़े मकोड़े इसमें चलते हैं तो कितनी चीज लगती है। देखो इस द्वारा इसको इकट्ठा कराऊंगी, ऐसे मूड जैसा बना के। अब इसको ऐसे बारीक बारीक काट दूंगी। ये वैसे आसान तरीका है, दूसरा भी तरीका है। लोग एक एक पत्ता करके लगा के बेसन लगाते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, पर ये ज्यादा अच्छा है, जितना इतना टाइम बेकार में जाता है होता तो वैसी है। ये लहसुन है, ये मिर्च है, इसको मिक्स करके धो दूं पहले, फिर इसको मिक्सी में पीसूंगी, तब जाके इसमें डालूंगी। इसे टुकड़े अच्छे नहीं लगते हैं, खाती हो। तरीके से पीस लिया। ये इसमें लहसुन और मिर्च का पेस्ट पहले ही डाल दिया था मैंने। अब ये नमक डाल दिया 1.5 चम्मच। ये इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी, वैसे हल्दी का तो पता नहीं लगता है पर हरा ही हो जाता है वो, फिर भी थोड़ा स्वाद के लिए डाल दिया। इसमें धनिया पाउडर, गरम मसाला सब मिक्स है, ये भी 2 चम्मच डाल दिया। नमक वैसे स्वाद अनुसार आप लोग अपने हिसाब से डालना। ये अजवाइन डाल दो मिक्स करके, थोड़ी सी खुशबू भी अच्छी आती है। और ये जो है, ये अरबी के पत्ते जो होते हैं ठंडे होते हैं, तो इसको ये गरम होएगा इसके लिए, खाने में मतलब लगेगा नहीं। ये इसे मैंने बेसन भी डाल दिया थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना होता है, 100 ग्राम 200 ग्राम। बस हो जाएगा, थोड़ा सा पानी डाला बस। मस्काने से इसमें खुद ही पानी छोड़ देता है, इसको ऐसे गलना पड़ता है सारा। ये देखो पहले कितना पूरा भरा था, ये मसल मसल के इतना छोटा थोड़ा सा रह गया। अब ये मैंने पानी गर्म करने रख दिया इसमें। देखो ये मैं इसमें घी भी लगा रही हूँ क्योंकि चिपके नहीं। तेल भी लगा सकते हो, ऐसे घी भी लगा सकते हो, जो आपके पास है वो लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि घी लगाना है। ऐसे इसको पूरा सपोड़ना होता है ऐसे। इसको यहाँ पर पूरा दबा दबा के ऐसे रखना पड़ेगा इसको। भी अच्छे हैं, ये
ये हो गया है। इस तरीके से इसमें पानी अंदर ना घुसे करके ये राय बना रही हूँ। इसलिए इसको इसी तरीके से सेट होके नीचे रख दिया। ये भाप में पकेगा, ये इसमें 2 या 3 सीटी लगाऊंगी तब जाके ये पकेगा। इस तरीके से 2 फीट आ गए। इसमें कुकर बड़ा था, अब इसमें ढक्का लगा देती हूँ, अपने आप भाप से पकेंगे। 3 सीटी पड़ चुके हैं, 4थी सीटी अब जो मैंने फुल होने दिया इसको बंद कर देती, इसी के भाप से और थोड़ा पक जाएंगे। पर अब इसे ठंडा भी हो जाएगा, भाप भी निकल जाएगी, फिर जाके आपको आगे और दिखाएंगे। ये इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, अब ये छोंके जाएंगे, अभी इनको काटाई भी करनी है। मिट्टी का बघार लगाऊंगी मैं इसमें। ये देखो अब ये ठंडे हो चुके हैं, इनको ऐसे छोटे छोटे पीसों में काट दूंगी मैं। थोड़ा पानी चले गया है ऊपर, गीला हो गया थोड़ा। ये देखो इसमें मैंने मेथी का छौंका लगाऊंगी, बड़ी अच्छी खुशबू आती है मेथी की। बस इस तरीके से इसको छौंका लगा दिया। ये हो गया तैयार, ये भी हो गया, ये बन गया, तैयार हो गया। आप लोग भी आइए खाइए और स्वाद का आनंद लिए, खाने के बाद शेयर करना अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों में, लाइक करना। बहुत मेहनत करी है,